बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। सेक्शन वन बायोलॉजी 2000 के आईबी ग्रेड्स के पास पेपर हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर रिगार्डिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है कोकाई आर रॉड शेप। कोकाई जो होते हैं वो ओवल शेप होते हैं, रॉड शेप नहीं होते, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है बेसिलाय आर स्पायरल शेप। जो बेसिलाय बैक्टीरिया वो स्पायरल शेप नहीं होते, वो रॉड शेप होते हैं। और सी ऑप्शन इसमें इन्होंने बताया ऑल कंटेन आरएनए, तो बैक्टीरिया के पास डीएनए भी होता है आरएनए भी होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, नन ऑफ दिस। अगला सवाल है क्लैमिडोमोनास, क्लैमिडोमोनास के बारे में बताना है हमें। क्लैमिडोमोनास मल्टी सेलुलर एल्गा है, तो ये ऑप्शन इसका गलत है, मल्टी सेलुलर नहीं होता, क्लैमिडोमोनास यूनिसेलुलर होता है। और इन्होंने बी में बोला कि इसका सिंगल फ्लैजिलम होता है, इसका सिंगल नहीं होता, इसके पास दो फ्लैजिलम होते हैं। ये इस तरह से होता है, ओवल शेप में होता है क्लैमिडोमोनास। आप लोग गूगल करेंगे तो आपको जो है इसकी डायग्राम भी मिल जाएगी, इस तरह से होता है यूं ओवल शेप, और इसके यहाँ पर जो है इस तरह से ये होता है, और इसके इस साइड पर यहाँ पर ये दो फ्लैजिलम होते हैं, तो क्लैमिडोमोनास इस तरह का होता है। अगला ऑप्शन है कि इसके पास कोई वाटर रेगुलेशन का सिस्टम नहीं होता। इसके पास होता है वाटर रेगुलेशन का सिस्टम, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जिससे ये वाटर को रेगुलेट करता है, तो इन्होंने कहा कि नहीं होता तो गलत हो गया। अगला है हैट अ लाइट सेंसिटिव स्ट्रक्चर। इसके पास एक लाइट सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है जो इसके अंदर पाया जाता है, जब इसको लाइट नज़र आती है उसको वो सेंस डिटेक्ट करके उसकी तरफ फ्लैजिलम की मदद से मूव करता है। अभी लाइट की तरफ मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके पास जो है क्लोरोप्लास्ट होता है जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और उसकी मदद से क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है। तो खाना बनाने के लिए उसको मूव करना पड़ता है लाइट की तरफ, तो वो फ्लैजिला की मदद से करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, हैज़ अ लाइट सेंसिटिव स्ट्रक्चर। अगला है क्रिप्टोगैम्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अच्छा, जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, स्पोर्स की मदद से करते हैं, सीड और फ्रूट उनके अंदर नहीं होता। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, सीड और फ्रूट इनके अंदर नहीं होता, ये स्पोर्स के जरिए जो है अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं। अगला है कॉनिफर एंड काइकार्ड्स। कॉनिफर एंड साइकार्ड जो है ये जिम्नोस्पर्म में आते हैं, ये क्रिप्टोगैम्स में नहीं आते। अगला सवाल है मोलस्का हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मोलस्का के पास ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं सिवाय एक के, वेल डेवलप नर्वस सिस्टम होता है, किडनी भी होती हैं, नॉस्ट्रिल नहीं होते मोलस्का के पास, इसके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं जिसको किटिनॉइड कहते हैं, गिल्स का नाम है किटिनॉइड्स गिल्स, जो कि कॉम्ब लाइक होते हैं, किटिनॉइड गिल्स ये कैसे होते हैं, कॉम्ब लाइक होते हैं फिलामेंट्स की तरह, ये क्या करते हैं, रिस्पायरेशन का काम करते हैं। तो मोलस्का के पास जो गिल्स होते हैं रिस्पायरेशन के लिए वो किटिनॉइड्स होते हैं, नॉस्ट्रिल नहीं होते, नॉस्ट्रिल मैमल्स के अंदर आते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है इसके पास हार्ट वाला, तो जो नॉस्टिल है वो नहीं होता, तो इसका सी है। अगला सवाल है क्रस्टेशिया इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्रस्टेशिया के पास सारे हैं सिवाय एक के, तो जो ऑयस्टर है ये बिलोंग करता है क्लास बायवेल्विया, इट्स बिलोंग टू क्लास बायवेल्विया। वेल्विया का मतलब होता है दरवाजे, जैसे हार्ट में वेल्व होते हैं ना, तो बाय का मतलब है यहाँ दो, दो दरवाजे होते हैं शेल की तरह होते हैं, यानी कि उसके जो शेल होते हैं दो दरवाजे, वो आपस में इस तरह से अटैच हुए होते हैं, हिंक हुए हुए होते हैं, तो इस तरह से वो बंद हो जाते हैं फिर वो खुल जाते हैं। तो ऑयस्टर शेल की बात करें तो बिलोंग करता है क्लास बायवेल्विया को, क्रस्टेशिया को बिलोंग नहीं करता। अगला है द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ये जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस के, ये होते तो क्लोरोप्लास्ट में ही है, बट ये होता कहाँ है, किस जगह पर होता है, तो इसके लिए हम पहले क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, और क्लोरोप्लास्ट प्लांट के अंदर होता है, एनिमल के अंदर नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट यूग्लिना के पास भी होता है, एल्गा के पास भी होता है, जो फोटोसिंथेसिस का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट के पास अब क्या होता है, ये स्टैक ऑफ ग्रेना है। ग्रेना एक होते हैं, बहुत सारे स्टैक बना दे, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ये लगाते हैं, इसको हम कहते हैं स्टैक। ये स्टैक ऑफ ग्रेना को मिलाकर हम क्या कहते हैं, थैलाकॉइड। और इसके बाहर का जो ये लिक्विड पोर्शन होता है इसको कहा जाता है स्ट्रोमा। अब ये जो थैलाकॉइड है ना, इसके पास क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। ये क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी के अंदर, और वो केमिकल एनर्जी क्या कहलाती है, एटीपी। तो सनलाइट को इसने कैप्चर किया, उसको कन्वर्ट कर दिया एटीपी के अंदर। तो थैलाकॉइड क्या करता है, लाइट को कन्वर्ट करता है।
और इस सनलाइट को कैप्चर कौन करता है? क्लोरोफिल, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जहां पर भी क्लोरोफिल होगा ना, वहां पर ये रिएक्शन होगा। हाँ, तो डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा के अंदर। अब स्ट्रोमा के अंदर क्या है? कोई पिगमेंट नहीं है, तो कोई पिगमेंट नहीं है तो यहाँ पर लाइट एनर्जी नहीं पहुँचती। जब यहाँ लाइट एनर्जी नहीं पहुँचती तो ये लाइट एनर्जी को इस्तेमाल नहीं करता, इस वजह से हम इसको कहते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का ये मतलब नहीं कि रात में होगा, डार्क रिएक्शन का मतलब है कि लाइट एनर्जी को कैप्चर कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट ही नहीं है। क्लोरोफिल पिगमेंट सिर्फ किसके पास है? थायलाकॉइड के पास है। स्ट्रोमा के अंदर क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। अब इस ग्लूकोज को बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। यहाँ पर तो सनलाइट थी ना, अब यहाँ पर भी बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से लेता है? तो वो एनर्जी लेता है ये लाइट रिएक्शन से, जो एटीपी की फॉर्म में थी। अब डार्क रिएक्शन क्या करता है? स्ट्रोमा के अंदर जो होता है उसको बनाना होता है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज बनाने के लिए भी इसको एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी कहाँ से लेता है? थायलाकॉइड से लेता है एटीपी की फॉर्म में। तो स्ट्रोमा क्या करता है? एटीपी की फॉर्म में एनर्जी लेता है और उससे क्या बनाता है? ग्लूकोज। और लाइट रिएक्शन की मदद से थायलाकॉइड के अंदर क्या बने थे? एटीपी बने थे, एनर्जी बनी थी केमिकल एनर्जी, और स्ट्रोमा के अंदर वो आ जाती है। फिर स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होता है, इस एटीपी को इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है इसका है ए, कहाँ पर होता है? टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इन्वॉल्व द फिक्सिंग ऑफ वाटर। फिक्सिंग ऑफ वाटर जो होता है वो थायलाकॉइड के अंदर होता है, तो ये लाइट रिएक्शन में होता है ये वाला स्टेप। कॉज द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड तब बनता है जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, जब ग्लूकोज टूटता है। तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन दो तरह से होती है, एक होती है एरोबिक, दूसरी होती है एनएरोबिक। एरोबिक का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और इनएरोबिक का मतलब है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो ग्लूकोज टूटता है, तो उससे क्या बनते हैं? एटीपी के मॉलिक्यूल और एनर्जी। और इसी तरह जब एनएरोबिक होगा, ऑक्सीजन नहीं होती, तो उस टाइम ग्लूकोज किसके अंदर टूट जाता है? लैक्टिक एसिड के अंदर, जो कि मसल को क्या करता है? थका देता है, फटीग करा देता है। तो ये क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हो रही है, और ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज के हम स्टेप को कहते थे ग्लाइकोलेसिस। और ग्लाइकोलेसिस कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता, स्ट्रोमा में नहीं होता, क्योंकि यहाँ ग्लूकोज बन रहा होता है। और ग्लाइकोलेसिस कहाँ हो रही होती है? ग्लाइको मीन ग्लूकोज, लेसिस मीन ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। अगला है टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। अभी मैंने बताया कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। यहाँ पर अगला सवाल है पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट ऑफ दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट कर से सारे हार्मोन सीक्रेट करते हैं सिवाय एक के, ग्रोथ हार्मोन भी सीक्रेट करता है ये, जो कि ग्रोथ के लिए काम आता है। प्रोलैक्टिन क्या करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द मेमरी ग्लैंड करवाता है। और ऑक्सीटोसिन क्या कराता है? रिलीज ऑफ मिल्क भी कराता है, और ड्यूरिंग लेबर जो है ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस भी कराता है। अब जो कैल्सिटोनिन है ना, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज नहीं होता, कैल्सिटोनिन रिलीज होता है थायरॉयड ग्लैंड से। थायरॉयड ग्लैंड क्या करता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन को रिलीज करता है। अब सवाल ये है कि रिलीज कब करता है? थायरॉयड ग्लैंड क्या करता है? कैल्सिटोनिन को रिलीज करता है। तब कब रिलीज करता है? जब कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो कैल्सिटोनिन रिलीज होता है। अब कैल्सिटोनिन का काम क्या होगा? कैल्शियम के लेवल को नॉर्मल पर लाना, कम करके। अभी किस तरह से कैल्शियम के लेवल को कम करेगा? पहले तो बोन के पास जाता है, बोन के पास सेल होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट जो बोन की ब्रेकडाउन कराते हैं, तो इनकी एक्टिविटी को क्या कर देगा? रोक देगा कि तुम बोन को तोड़ो नहीं, बोन की रिजॉर्प्शन नहीं करो, जिससे कैल्शियम को मजीद ब्लड के अंदर नहीं भेजो। ऑलरेडी ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो चुका है। किडनी के पास जाता है और किडनी को कहता है कि मजीद रीअब्जॉर्ब करा के कैल्शियम को ब्लड के अंदर नहीं भेजो। और इंटेस्टाइन से भी कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को क्या करा देता है? ये इनहिबिट करा देता है। तो इस तरह से कैल्सिटोनिन रिलीज कब होता है? जब कैल्शियम का लेवल हाई होता है। और ये इसका कौन सा इफेक्ट देते हैं? नेगेटिव इफेक्ट देते हैं, नेगेटिव फीडबैक। यानी कि कैल्सिटोनिन का काम है कैल्शियम के लेवल को कम कराना, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इनहिबिट कराकर। तो इसका यहाँ पर राइट ऑप्शन है बी, कैल्सिटोनिन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज नहीं होता, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। अगला सवाल है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स लेवल। अच्छा, इसमें यहाँ कुछ ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग है, गलती भी है, लेकिन मैं आप लोग को पूरा बता देती हूँ इसकी कहानी क्या है। ये है इसके बारे में कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब है कि थायराइड को जाकर स्टिमुलेट करना, यानी कि जगाना। ठीक है, इससे पहले अभी जो न्यू बुक आई उसमें एक और पॉइंट भी ऐड हुआ है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से पहले एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। फिर ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जगाता है, यानी कि रिलीज करता है। और फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, यानी कि इसको जगाता है कि बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म या किसी चीज़ की कमी हो गई, तुम क्या करो, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस स्टार्ट कर दो। फिर थायराइड जो है T3 और T4 हार्मोन को रिलीज करता है, जिससे जो है बॉडी के अंदर पूरा मेटाबॉलिज्म होता है।
ठीक है, बॉडी के अंदर किसी चीज़ की कमी हो गई थी तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया, TSH को रिलीज किया। अब TSH थायराइड ग्लैंड को जगाता है, जिसके नतीजे में थायराइड ग्लैंड T3 और T4 को सिक्रीट करता है, जिससे बॉडी के अब मेटाबॉलिज्म होते हैं। इसमें बहुत सारे आते हैं। अच्छा, T3 जब ये मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो गए, जब T3 और T4 का लेवल बढ़ने लगता है, तब फिर क्या करते हैं, ये ऊपर जाते हैं। जब ब्लड के अंदर T3 और T4 का लेवल बढ़ जाता है, तो यहाँ से एक नेगेटिव फीडबैक जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास कि अब तुम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करना बंद कर दो। यानी कि ऑलरेडी T3 और T4 का लेवल अब ब्लड के अंदर बढ़ चुका है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, थायराइड जा चुका है, अब मजीद सिग्नल देना बंद कर दो। इसको फिर हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है सी वाला है कि वुड बी लो इन पेशेंट विद हाइपोथायरायडिज्म। यहाँ भी हाइपो था और यहाँ पर भी हाइपो था, तो ये गलत है। एक इसमें क्या होगा, हाइपरथायरायडिज्म होगा कि TSH का लेवल क्या होता है, लो हो जाता है हाइपरथायरायडिज्म के पेशेंट में। हाइपरथायरायडिज्म यानी कि थायराइड एक्टिव हो गया, बहुत सारे हार्मोन रिलीज किए जा रहे, इसका मतलब हाइपरथायरायडिज्म। जब ये थायराइड एक्टिवेट हो जाते हैं, हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर ये TSH के लेवल को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो TSH का लेवल क्या होता है, कम हो जाता है हाइपरथायरायडिज्म में, और हाइपोथायरायडिज्म में TSH का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाइपो का भी बता देती हूँ कैसे होगा, कि भाई एक कंडीशन है हाइपोथायरायडिज्म, यानी कि अब थायराइड जो है ना, वो अपने हार्मोन रिलीज नहीं कर रहा। वो इसलिए रिलीज नहीं कर रहा कि उसको TSH जो है सिग्नल नहीं दे रहा, तो उसको TSH अब क्या करेगा, सिग्नल देना स्टार्ट करेगा। तो हाइपोथायरायडिज्म काम नहीं कर रहा था ना, अभी काम नहीं कर रहा था, तो TSH का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। वो बार बार इसको सिग्नल देगा कि भाई तुम जो है अब अपना काम करना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है सी कि वुड बी लो इन पेशेंट विद हाइपरथायरायडिज्म। अगर थायराइड एक्टिवेट हो गया, अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि हाइपरथायरायडिज्म कहते हैं इसको, कि थायराइड एक्टिवेट हो गया और वो बहुत ज़्यादा हार्मोन रिलीज कर रहा है, काम कर रहा है। तो अभी हार्मोन कैसे रिलीज कर रहा था, इसको ऊपर से सिग्नल मिल रहा था। अब फिर ये जब ये हार्मोन रिलीज हो जाते हैं, ऊपर जाते हैं और नेगेटिव फीडबैक देते हैं, TSH के लेवल को कम करा देते हैं। तो TSH का लेवल कम होता है जब थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। बच्चे गलती करते हैं कि लो और हाइपो को जो है कंबाइन कर देते हैं। लो तब होता है जब T3 और T4 का पूछते। अगर वो बोलते कि T3 और T4 का लेवल जो है वो कम है, तो तब कौन सी कंडीशन होगी, तब आप लोग कह सकते हो कि हाँ भाई ये हाइपोथायरायडिज्म है। और अगर T3 और T4 का लेवल इंक्रीज है, तब आप कह सकते हो ये हाइपरथायरायडिज्म है। लेकिन इन्होंने सवाल ही कुछ और पूछा, ये सवाल वैसे आता ही नहीं है। इन्होंने सवाल TSH से रिलेटेड पूछा है, जो जाकर थायराइड को जगाता है। तो इस कंडीशन में जब ये TSH की बात करें, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करें, कि TSH का लेवल क्या होगा, लो होगा। लो हो जाएगा क्यों, क्योंकि थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है इसका सी। अगला सवाल है, गेस्टुलेशन इन फ्रॉग एम्ब्रियो इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट एपिबोली। एपिबोली में क्या होता है कि जो मैम टिश्यू होता है ना, वो रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे ऑर्गन्स बनते हैं फ्रॉग के गेस्टुलेशन में। और इन्वॉल्यूशन का मतलब ये है कि ऊपर एक सिंगल लेयर होती है, वो अंदर की तरफ जाती है, फोल्ड हो जाती है, और उससे भी फर्दर दो लेयर बन जाती हैं। और रोटेशन इसमें नहीं होती। इन्वेजिनेशन में ये होता है कि जो सरफेस के यहाँ सेल होते हैं, वो अंदर की तरफ मूव करते हैं। ये जो सरफेस के यहाँ इस तरह से सेल बने हुए हैं, ऐसे होते हैं यहाँ पर, इस सरफेस के सेल, ये क्या करेंगे, अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे अंदर की तरफ मूव करेंगे यूँ, इस तरह से, और अंदर एक कैविटी बना देंगे। तो इसको हम कहते हैं इन्वेजिनेशन। तो गैस्टुलेशन में तीनों होते हैं सिवाय रोटेशन के। अगला सवाल है, मीजोडर्म गिव राइज टू, मीजोडर्म जो है वो क्या देती है, हार्ट को बनाती है। गैसियस एक्सचेंज इन प्लेनेरिया टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन। देखो, ऑस्मोसिस में तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करते हैं, ब्रीथिंग इसमें हो नहीं सकता, क्योंकि इसके पास कोई प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं है और सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है कि एक पैसिव प्रोसेस है डिफ्यूजन का, जिसमें जो है मॉलिक्यूल हाई से लो की तरफ जाते हैं। तो प्लेनेरिया में जो डिफ्यूजन होती है, वो क्या होती है, सेल के लेवल पर होती है, क्योंकि इसके पास ना सर्कुलेटरी सिस्टम है और ना ही रिस्पायरेटरी सिस्टम है। तो ये प्लेनेरिया के यहाँ सेल होते हैं, ठीक है, ये सारे सेल हैं, और ये प्लेनेरिया की स्किन है पूरी, और इसके अंदर ये सेल है। तो यहाँ से क्या होगा, अगर बॉडी के अंदर किसका लेवल बढ़ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो ये बाहर की तरफ जाना शुरू कर देंगे, हाई से लो की तरफ। इसी तरह बाहर किसका लेवल ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का, तो अभी बाहर से अंदर की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो पैसिव का मतलब यही होता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई टू लो। अभी अंदर से बाहर तभी जाएगा जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अंदर ज़्यादा होता है। बाहर हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होता है एनवायरनमेंट में। बाहर एनवायरनमेंट में किसका लेवल ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का, और ये तब अंदर जाएगा जब ऑक्सीजन का लेवल अंदर कम हो जाता है। इसी तरह हमारे अंदर भी ये मैकेनिज्म होता है, बट वो नोज़ के जरिए होता है, क्योंकि
हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, डिफ्यूजन। अगला सवाल है, रेटिना कंटेन लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर सेल कॉल। रेटिना के पास इनका लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर सेल हैं जिनको क्या कहते हैं, रॉड्स एंड कोन कहते हैं। रॉड्स जो होते हैं ना वो डिम लाइट को, नाइट विजन को डिटेक्ट करते हैं, और जो कोन्स होती है ना वो कलर लाइट को डिटेक्ट करती हैं। अब ये क्या करती हैं, उस लाइट को डिटेक्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन को देती हैं, जिसकी वजह से ब्रेन जो है हमारी आइज पर एक विजन बनाता है। अगला है, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ग्रास हॉपर कंसिस्ट ऑफ। ग्रास हॉपर क्या, एक इंसेक्ट है, तो इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो मेलफीजियन ट्यूब्यूल है, और हमारी बॉडी के अंदर मेलफीजियन बॉडी पाई जाती है जो कि किडनी के ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को मिलाकर कहते हैं। तो यहाँ पर मेलफीजियन ट्यूब्यूल है जो कि इंसेक्ट के अंदर, अगर मेलफीजियन बॉडी होता, अगर इंसानों के बारे में पूछते तो हम कहते हैं मेलफीजियन बॉडी, और मेलफीजियन बॉडी दो चीज़ों को कंबाइन करके बोलते हैं हम, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कैपिलरी का नेटवर्क है और वो में एक कैप्सूल होता है जहाँ से, जहाँ पर जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का स्टेप होता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइडेरिया लिव्स इन कॉलोनीज। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, ओबेलिया। अगला सवाल है, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट बताने, इसमें जो क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या करता है, इंसेक्ट के जरिए बॉडी के अंदर एंटर होता है, रेड ब्लड सेल पर जाके अटैक करता है, और वहाँ पर ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, उसके बाद वो रेड ब्लड सेल क्या हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, फिर ये फर्दर दूसरे और रेड ब्लड सेल पर अटैक कर देता है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में जल्दी अपलोड कर दूँगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।